नमस्कार, बीएन भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सुरूर, पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अनिवार्य सेवाओं को छोड़ दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। इसको लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन का स्तर सामान्य रहने वाले संक्रमित मरीजों को जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया। जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के छोटे भाई अमीरुल आलम का निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बेहतर इलाज के लिए इन्हें एयरलिफ्ट कर कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर निबंधन शुरू हो गया। ये निबंधन कराकर ही लाभुक 1 मई से टीका ले सकेंगे। इसकी तैयारी को लेकर एनआरएचएम के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ल ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेज दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 5 चिकित्सकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया सहित की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रतिनियुक्ति स्थल सदर अस्पताल कोविड सेंटर में योगदान नहीं करने के कारण प्राथमिकी होगी। असम में आज सुबह 7:51 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BNN भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।